हेलो एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट्स क्लास 10 क्लास 12 मेरे प्यारे दोस्तों, आपके रिजल्ट आने का समय तो हो चुका है लेकिन आपके कमेंट्स और आपके ईमेल आने बंद नहीं हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं कि हमारे रिजल्ट अच्छे आ पाएंगे भैया, क्या सीबीएसई हम लोगों को हमारे मेहनत के अच्छे मार्क्स देगी, क्या हमारे अच्छे परसेंटेज आएंगे, हम अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे या हम अच्छे से पास कर पाएंगे कि नहीं, सबका बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर ना तो मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूं जबकि आपके खुद सीबीएसई आपके सामने आप लोगों के लिए स्टेटमेंट दे रही है, आप लोगों को रिवाइंड कर रही है, आप लोगों को रिमाइंड दे रही है, आप लोगों को रिमाइंडर पहुंचा रही है कि यस आप रिजल्ट अपने अच्छे तो करेंगे फॉर 100% श्योर। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए क्या ऑप्शन बचता है और आपके लिए क्या फैसिलिटीज और कौन से तरीके से आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, आप लोगों के लिए ये चीज सीबीएसई एक बार फिर से दोहरा चुकी है। मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के लिए आपके रीचेकिंग प्रोसेस के लिए, रीकॉपी चेकिंग अप्लाई को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट जो कि आप आपके स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। पिछले दिन आपके रिजल्ट सस्पेंस पर लेकर आपके डॉक्टर संयम भरद्वाज जी एग्जाम कंट्रोलर ने एक बड़ी बात कही। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि हम सब ने आपको बताया कि रिजल्ट पे जितनी भी सस्पेंस बनी हुई है हमारे सामने उसे खारिज करते हुए आपके एग्जाम कंट्रोलर ने बताया कि अभी हमारे कई सारे प्रोसेस बचे हुए हैं जिसमें वेटेज भी आता है, जिसमें कई सारी इवैल्यूएशन प्रोसेस के परसेंटेज कैलकुलेशन हमें करने हैं, जो कि उनका स्टेटमेंट था। जब रिजल्ट आएगा आपको ठीक पता चल जाएगा, उनके थ्रू पता चलेगा, आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपको पैनिक नहीं होना है। पर उससे भी बड़ी चीज हम बात करेंगे आपके वेटेज को लेकर, पर हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारा रिजल्ट खराब हो जाता है, खुदा ना खास्ता अगर हमारा रिजल्ट खराब हो जाता है, हम पास नहीं कर पाते हैं, तो हमारे लिए क्या ऑप्शन बचता है। आप लोगों ने रीचेकिंग इवैल्यूएशन प्रोसेस का नाम सुना होगा जो कि आपको थोड़े बहुत अमाउंट देने पड़ते हैं, आपको 500 पे करना पड़ता है, 300 पे करना पड़ता है, बट अभी अगर आप देखेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पर सब्जेक्ट कॉपी को रीचेकिंग करवाने के लिए 500 रुपए का फीस देना पड़ता था। बट इस साल का जो प्रोसीजर होगा, आप मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अगर ऐसा लगेगा कि आपके नंबर कम आ गए हैं, आप और ज्यादा डिजर्व करते हैं, आपकी कैलकुलेशन इससे ज्यादा है, तो आप रीचेकिंग इवैल्यूएशन प्रोसेस जो कि स्टार्ट हो रहा है आपके रिजल्ट आने के बाद ठीक एक दिनों बाद, ये नहीं कि मैं 10 दिन कह रहा हूं, 2 दिन कह रहा हूं, आज आपका रिजल्ट आ गया, अगले दिन से एक एक्सपेक्टेड डेट आप लोगों को मिल जाएगी, इतने तारीख को आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा और आपकी रीचेकिंग भी हो जाएगी। कैसा लग रहा है, रिलीफ लग रहा है? तो अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनकेस अगर आप फिर से एग्जाम देना चाहते हैं महज 10 दिन बाद आपके रिजल्ट के, आपके स्कूल से कॉल आएगा कि क्या आप लोग इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, अदरवाइज आप लोग खुद जाकर स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हैं। और इन केस अगर आप रिपीट कर जाते हैं तो भी आप रीचेकिंग इवैल्यूएशन प्रोसेस में अप्लाई करें, कहीं हो सकता है कि 2 नंबर 3 नंबर से आप बैक ऑफ कर रहे हो तो वो नंबर बढ़ के आपके लिए बेहद फायदेमंद हो जाए। एनीवेज हम वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं, पर आप सबके लिए अब नोट्स रेडी होना शुरू हो चुकी है। जो फ्रेशर हैं क्लास 10 स्टूडेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सारा नोट्स बाय गौरव सर आपके लिए रेडी किया गया है, स्लाइड्स ऑन योर स्क्रीन, गूगल ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आधा डिटेल्स भी यहां पर है, एक पैसे आपसे लिए नहीं जाएंगे, आपके लिए फायदे हैं ये सारी पढ़ाई करने के लिए। अपने भाई बहनों को जरूर बताओ कि भैया ये सारे नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें फॉरवर्ड जरूर करें। वेल, आगे हम बात करने वाले हैं आपके वेटेज को लेकर, तो इस छोटी सी सेकेंड्स की वीडियो के बाद। जैसा कि बच्चों काफ़ी सारे सीबीएसई के वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनमें से सबसे बेस्ट अगर आप लोग देखना चाहते हो और सबसे पहले अपना रिजल्ट देखना चाहते हो तो मेक श्योर आप प्ले स्टोर पर चले जाना एंड प्ले स्टोर पर आप सर्च कर लेना विच इज़ ऑन स्क्रीन आपके सीबीएसई रिजल्ट 2022। जैसे ही आप इसे सर्च करोगे आपको ये जो सबसे टॉप पे यहाँ पे लिखा हुआ है सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2022 क्लास 10th एंड 12th, इस पर आपने क्लिक करी, आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है एंड इंस्टॉल जैसे ही हो जाएगा मेक श्योर आप रेटिंग्स जरूर दें। आपको रेटिंग्स देकर यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लिख दे, लाइक कुछ भी आप लिख सकते हैं, बेस्ट एप्लीकेशन, बिकॉज ये जो एप्लीकेशन है मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले काम आएगा, आप लोग खुद नोटिस करना। एंड जैसे ये चीज़ हो जाए आप इसे रेटिंग्स पोस्ट कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, उसके बाद का स्टेप काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बहुत ही सिंपल। आपको क्या करना है, उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से खुलेगा जैसे ही आप एप्लीकेशन खोलेंगे एंड सबसे पहले आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे, क्लास 10th रिजल्ट 2022, क्लास 12th रिजल्ट 2022। एंड अगर आप लोग इससे भी और भी बेहतरीन चीज़ देखना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर यहाँ पे साइड में जीके क्विज़ है, जहाँ पे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आप क्विज़ वगैरह खेल सकते हैं, गेम्स वगैरह भी, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th 12th का रिजल्ट। तो रिजल्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो जैसे ही आपका रिजल्ट सीबीएसई वेबसाइट पर एक्टिव हो जाएगा आप यहाँ पर क्लिक करके अपना रिजल्ट देख पाएंगे, ये ब्लू टिक हो जाएगा, ठीक है ना, ये एक्टिव यहाँ पे दिखाएगा सीबीएसई, ये जो चेक रिजल्ट है ना नाउ, ये एक्टिव दिखाएगा और उसके कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए आप देख सकते हैं। तो ये ऐप आप लोग अभी से डाउनलोड करके रख लो ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो एंड जल्द से जल्द आप अपना रिजल्ट सबसे पहले देख पाओ। थैंक यू। हमारे पास एक क्लैरिफिकेशन तो जरूर है जो कि ऑफिशियल सर्कुलर 5 जुलाई का सीबीएसई जो 2021 में जारी की थी, वो ये कहता है कि हम लोग वेटेज तो डिसाइड करेंगे, कब करेंगे, जब आपके रिजल्ट बनेंगे तब। और एक बात आप लोग नोट करो, टर्म 1 में कोई पास फेल नहीं था लेकिन टर्म 2 में पास फेल है,
और वो पास फेल कैसे डिसाइड किया जा रहा है? आप ऐसा मत सोचो कि टर्म वन में आप फेल थे तो आप टर्म टू में भी फेल हो चुके हो, आप पास नहीं हुए हो। सबसे बड़ा गलत फहमी आपका यही है। टर्म वन का जो भी स्कोर था वो टर्म टू के साथ जोड़ा जाएगा। जोड़ने के बाद 80 मार्क्स में से अगर आपके टर्म वन और टर्म टू मिलाकर 27 नंबर आ रहे हैं तो आप पास हैं, और अगर टर्म वन एंड टर्म टू के मार्क्स को जोड़कर भी आपके 27 मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आपके इंटरनल प्रोजेक्ट मार्क्स को भी जोड़ना होगा और आप पास करेंगे। यही है सबसे बड़ी क्लैरिफिकेशन। बट सीबीएसई के ऑफिशियल सर्कुलर को देखकर यही लगता है कि यस दे आर ऑन अ मूड कि वो आपके वेटेज को चेंज करें। वेटेज को चेंज करने से भी फायदा आपका है, ना करे तो भी आपका फायदा है, एंड इसमें हमें अपने बेनिफिट ही देखने हैं। एज अ स्टूडेंट हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना अच्छा रिजल्ट चाहिए। अगर मैं सही हूँ तो आप जरूर बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबसे इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग रिलैक्स रहें, अपडेट के साथ बने रहें। वेटेज वो चेंज जरूर करेंगे फॉर 100% श्योर, इसीलिए वो टाइम लगा रहे हैं। और कल के स्टेटमेंट ने और क्लियर कर दिया है कि हमारी वैल्यूएशन प्रोसेस का टाइमिंग लेने का मकसद है अच्छे रिजल्ट को इम्प्रूव करके कैलकुलेट करना और तब बच्चों को रिजल्ट देना, ताकि गार्जियन की कोई कंप्लेन हम तक ना आ सके, क्योंकि ये बैच अब चेंज होने वाला है। वीडियो पसंद आई होगी, चैनल पर नए हो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली अपडेट में। थैंक यू सो मच।